अरे उमर आए और जल्दी भाग क्या यार, जो हमारा मैक्स नहीं है वो छोड़ के जूता था पहन के जल्दी। इधर था वो एक कुत्ती आई उसके पीछे भाग गई गली। ओए होए, हमने दोनों डोके ना इसमें डाल दिया था ताकि ना छोड़ सके, इन्होंने आपस में छोड़ दिया था, लेकिन हमारी जो चेन थी ना इतनी बड़ी वो इसके अंदर डूब गई है। दोस्तों मैं मार्केट आया हूँ हमारे पेट के लिए ना कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यार हमारे पेट हाउस में ना काफी ज्यादा ब्लू डॉग आ गए हैं, चार चार हैवी किस्म के बड़े ब्लू डॉग आ गए हैं, तो उनके खाने पीने के बर्तन थोड़े से कम हो गए थे, ऐसा लगता है हमारा पेट हाउस नहीं ब्लू डॉग का फार्म बन चुका हो। तो ये मैंने कुछ बर्तन पसंद किए हैं, कुछ हमने स्टील के लिए और काफी ज्यादा मट्टी के लिए, क्योंकि मट्टी के बर्तन में ना जल्दी चीज ठंडी होती नहीं है इस वजह से। भाई इनको ना पैक करते हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों यार दो दिन से ना हमारे इस डक्स को मैं समझा रहा हूँ यार, इतने अंडों पे आशिक ना हो यार, हमारे सब पेट्स ना खाना वगैरह खा रहे हैं, लेकिन यार ये अंडों के ऊपर बैठी हुई है, अंडों की आशिक हुई है, उठी नहीं रही, दो दिन हो गए इसने खाना भी नहीं खाया। तो यार ऐसे तुम अल्लाह के पास चले जाओगी, हमें छोड़ के चल जाओगी, अपनी केयर करो फिर अंडों की केयर करो। इधर आओ इधर, ये मैंने इसको अंडों के ऊपर उठा तो दिया लेकिन यहाँ से कुछ खाए पिएगी नहीं, फिर अंडों के ऊपर जाके बैठ जाएगी। वो जा रही है, वो जा रही है, इधर आओ यार इधर आओ। दोस्तों मैंने डिसाइड किया हमारे इस डक्स की रिफ्रेशमेंट के लिए ना सब डक्स को लेके चलते हैं नहर पे, नहर का भरपूर फायदा उठाते हैं, पानी फिर से आया हुआ है और गर्मियां भी काफी ज्यादा है, ये थोड़ी सी फ्रेश हो लेगी फिर खाना वगैरह खाएगी। और इसके अंडों को मैंने अच्छे तरीके से कवर कर लिया, एक को तो मैंने पकड़ लिया, बाकी भीम चुटकी को और बाकी डक्स को भी पकड़ते हैं और नहर पे लेके चलते हैं, बड़ा ही मजा आएगा, ये खुद इंजॉय करेंगी। ये हमने बड़ी मुश्किल से 3 डक्स को पकड़ के तोड़े में डाल लिया और सिर्फ हमारी चुटकी रह गई। चुटकी बहुत तंग करती है यार, ये पकड़ी नहीं आती, अब ये केज के अंदर चली गई है ना, आप आसानी से पकड़ी जाएगी। चुटकी इधर आ जाओ यार, तुम्हें नहलाने के लिए लेके चलो। ये पकड़ लिया, छोड़ दे छोड़ दे तेरी खैर यार, इनको नहर नजर आ गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और ये चुटकी भी जाए। चलो जी ये चेक करो यार, कितने मजे मजे से नहा रहे हैं। वो गया भीम और चुटकी वो सामने फिर व्हाइट डक्स का पैर ये फिर रहा है, एक साथ मिलके नहाओ यार। तू तो आलू चने खाने लग गया, तू जल्दी से ना पेट हाउस में चलनी खा के, मैं रैबिट्स के लिए ना चारा लेके आ रहा हूँ, ठीक है। हमारी डक्स यहाँ पे नहाती रहे सारा दिन। ओए उमर आए उमर, वो जल्दी भाग क्या यार, जो हमारा मैक्स नहीं है वो छोड़ के जूता था पहन के जल्दी। दोस्तों यार अभी हमारे रैबिट्स के ना मैं चारा लेके आ रहा था, मैं बाइक पे था, मैंने देखा यार हमारा मैक्स ना छूटा हुआ था, मैंने मैक्स को ना रात को वसीम के बहाने में बांधा हुआ था और मैक्स ना उस तरफ फिर रहा था, मेरे पास चारा था और बाइक थी इसलिए मैं ट्रैक उसके पास जा नहीं सका। जल्दी से चलते हैं यार, भाग क्या यार जल्दी भाग क्या भाग क्या। चाचा जी ब्लैक कलर का डॉग इधर फिर रहा था, वो कहाँ पे? इधर इधर था, वो एक कुत्ती आई उसके पीछे भाग गई गली। ओए होए, वसीम कहाँ पे है जी? वसीम पीछे, उसके पीछे है। चलो शुक्र है यार, चल भाग उस तरफ भाग जल्दी, वो सामने वाली गली में कह रहे हैं। हाँ शुक्र है यार, मैक्स के पीछे ना वसीम भी लगा हुआ है, मतलब वसीम को पता चल गया है, वसीम की कॉल आ रही है, जल्दी पूछ वो कहाँ पे है। और शुक्र है भाई मिल गए, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पकड़ लिया इसको यार, जैसे मैंने देखा फौरन भागा हूँ, मैं तो चारा लेने के लिए गया हुआ था यार। वो जो जर्मन शेफर्ड ने फिर अपने इलाके करने और जो हम पकड़ रहे थे तू लगा हुआ है। वो यहाँ फिर रहा था, मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसा टीला था पकड़ा हुआ था, इसने उसको देखा था एकदम जोर लगाया, मैं नीचे गिर गया, इसे दांत से छोड़ गया, फिर सारा इलाका इसने मुझे घुमाया, ये तो बच्चे ने मदद की है मेरी। यार हमारे मैक्स को इतना सांस चढ़ा हुआ है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, अभी जाके ना इसको पानी वगैरह पिलाते हैं। यार तूने नहीं लेके आना था, मैं लेने आ ही रहा था इसको, जब इस तरह का बुरी डॉग पकड़ते हैं ना काबू पकड़ते हैं यार, ये जोर लगाया इसने, मैं गिर गया हूं, इसने फुल जान, बस तुझे सजा मिल गई इस चीज की। ले यार इधर आओ मैक्स, छोड़ दे ये देख मेरे पीछे कैसे आता भाग भाग के, छोड़ दो वो देख आ रहे आ रहे आ रहे। यार मैक्स को ना मैं पेट हाउस में लेके जा रहा था, लेकिन मुझे याद आया जो कल हम हैवी किस्म का बड़ा बुली डॉग लेके आए ना, उसको मैंने पेट हाउस के बाहर बांधा हुआ है, तो यार इतने ज्यादा बुली डॉग को कंट्रोल करना, उनको अपने पेट हाउस में रखना ना काफी मुश्किल है। तो अब ये बंदे मुझे फोर्स कर रहे हैं कि जो हम कल बुली डॉग लेके आए ना उसको हम अपने मैक्स के साथ चेक करें, मतलब पंगा शंगा करें, अग्रेसिव करें, तो मेरा दिल भी थोड़ा थोड़ा चाह रहा है, क्योंकि यार हमने इतने ज्यादा पैसे भरे हैं, चेक तो किया जाए यार हमारा डॉग कैसा निकलता है। हाँ बच्चों कोई पंगा शंगा होना चाहिए फिर, और तू तो सबसे बड़ा बच्चा है, तू तो चाहता ही यही है कि आपस में लड़ते रहे, जख्मी होते रहे, यार मजा आएगा ना पड्डा देखने का। हाँ तू उससे भी ज्यादा बड़ा यार, ये बंदा मैच फिक्स करता रहता है हमारे बुली डॉग के, चार चार बुली डॉग आ चुके हैं ना, कभी किसी टीम के पास जा रहा है मैच फिक्स करने के लिए, कभी किसी टीम के पास जा रहा है, लेकिन मैं अभी अपना बुली डॉग लेके आ रहा हूँ, सिर्फ आप एग्रेसिव करवाएंगे, चेक करेंगे। और आप लोगों ने अगर ये वाली वीडियो देखनी है ना, तो आपने वीडियो के एंड तक देखना, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा, वहाँ पे आप जाके आसानी से इन दोनों की मतलब जो पंगा शंगा होगा अग्रेसिव होगा ना वो वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो के एंड तक देखना है, आपको एक अलग प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, पहले मैंने इंस्टाग्राम का दिया था, अब कोई और दूंगा। यार बड़ा मजा आने वाला है, दोनों अपने हैवी डॉग्स हैं, बुली देखते हैं कौन जीतता है, तेरे वाला ज्यादा हैवी है, देखते हैं ये उसको हरा पाता है कि नहीं। तू आ यार, वो काफी बड़ा है, वो मेरे से कंट्रोल नहीं होगा, आप दोनों लेके आते हैं उसको, वाकई नहीं कंट्रोल होना, बड़ा सिद्धी है यार। ये रहा हमारा बुली डॉग, इसका अब हम नाम रखते हैं, इसका नाम आयसी हुआ करेगा रोकी, ये हमारा रोकी है, अभी हम इसको थोड़ा सा पंगा शंगा मतलब अग्रेसिव करवाने के लिए लेके चलते हैं और बाद में अपने पेट हाउस में लेके जाएंगे, इसका रिएक्शन चेक करेंगे, ये हमारे रैबिट्स के साथ क्या करता है, हमारे पेट्स के साथ क्या करता है। आ जाओ यार रोकी।
तुम पे ना मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, मेरी उम्मीदें पे पानी ना फेर देना। ये हमने अपने रॉकी को ना बब्बर शेर वाली चेन बनाई हुई है, जिससे हमारा रॉकी और दहशत वाला होता है। भागो 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 भागो। दूसरी यार, बुरे काम करना बुरा ही नतीजा होता है। ये सारी ना वसीम की शैतानी थी यार, इनका आपस में ना पंगा करवाया और एक दूसरे को इन्होंने बाइट कर लिया और छोड़ नहीं रहे थे। साथ नहर थी, हमने दोनों डॉग का ना इसमें डाल दिया था ताकि एक दूसरे को ना छोड़ सके। इन्होंने आपस में छोड़ दिया था, मतलब जख्मी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो चेन थी इतनी बड़ी वो इसके अंदर डूब गई है। अब यार अंदर नहीं जा सकता। तो भाई देख यार निकलती है कि नहीं। इतनी महंगी हमारी चेन थी और इतनी मोटी थी, और जो हमारा रॉकी है ना वो यार भाग गया और वसीम उसके पीछे लगा हुआ। अभी वहाँ पे चलते हैं, पहले चेन ढूंढते हैं क्योंकि उसके यार गले में कुछ भी नहीं है। आ गई ये, निकाल 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 निकाल। क्या बात है यार, जल्दी चल यार, जल्दी स्टार्ट कर यार, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, मैं बैठ जाता हूँ यार, देर हो रही है। मैं तेरे से पूछता हूँ मैक्स आके, ओए वो रहा वहाँ जानते पकड़ लिया। रोजे के साथ जलील हो गए, ये सारी शैतानियां तेरी हैं। तूने कहा था मैंने तुझे कहा सिर्फ अग्रेसिव करना, तूने छोड़ा क्यों है यार? यार बड़ा भगाया इसमें, यार बड़ा भगाया। अच्छा हुआ तेरे साथ, इसको यार ये डालो पहले, वो चेन पकड़ यार। अब हम स्विमिंग पूल बनाने भी जाएंगे, आइंदा से ये फटे फूटे नहीं करवाने भाई। यार मुझे इसकी समझ नहीं आती, तू ही तो कहता है तूने हाथ खड़ा किया था सबसे पहले। अच्छा यार मैंने ना सिर्फ कहा था अग्रेसिव करेंगे, चेक करेंगे ये हमारा कैसे उछल उछल के पड़ता है। मैंने सिर्फ ये चेक करा था क्योंकि यार इतना पैसा भरा था, मैं समझ रहा था कहीं स्कैम ना हो गया। लेकिन हमारा बुलेटो कैफे VIP है, हमने वीडियो बनाई, आप वीडियो एंड तक देखेंगे ना तो आपको एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा। चल यार हो गया यार, रॉकी को ना हम अपने पेट हाउस में लेके जाते हैं, इसका वहां पे रिएक्शन चेक करते हैं हमारे पेट्स के साथ, इसका क्या रिएक्शन है, हमारे रैबिट्स के साथ क्या करता है, कुछ शिकार वगैरह ना करे। आज रॉकी ऊपर आज ऊपर आज देख, कोई रैबिट से नहीं है यार। मैं देखता हूं हमारा रॉकी ना आज पहली दफा ऊपर पेट हाउस में जा रहा है। आज यार किसी पेट्स पे अटैक ना कर देना, और यार हमारी भीम चुटकी को भी तो साइड पे करना। आज दोस्तों यार हम अपने रॉकी को ऊपर लेते हैं हमारे पेट हाउस में। रॉकी कोई शरारत वगैरह नहीं कर रहा, मतलब किसी पेट्स के पीछे भाग तो नहीं रहा, लेकिन पेट्स शोर मचा रहे हैं, इसको देखे ना डर ही हैं। और वो जो हमारा जैक है ना वो शोर मचा रहा है और पेट्स भी डर रहे हैं। जल्दी से ना यार इसको ना केज में बांध देते हैं। चल यार रॉकी तुम्हारी दहशत इतनी है, इतना शोर हो रहा है पेट हाउस में। और दोस्तों मैं आपको एक एडवांस सरप्राइज के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ी सी हिंट देता हूँ, आपको पता चली जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह आपको एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, हमारी रैबिट फैमिली जो है ना वो एक बड़ा सरप्राइज देने वाली है, मुझे तो पता चल गया है। आपको मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है कैसे बैठी हुई है, कल इधर भरपूर होगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हमारे रॉकी का और जो मैक्स का फड्डा आपस में हुआ है ना, मैंने फड्डा बिल्कुल भी नहीं करवाना था, आपको पहले बताया यार। रॉकी को हम कल बाय करके लाए, इतने ज्यादा पैसे भरे हैं, सिर्फ मैंने चेक करने के लिए हल्का फुल्का सा फड्डा किया और इतना हैवी फड्डा हो गया ना, हुआ तो थोड़ा सा है लेकिन वो आपस में ना उन्होंने बाइट कर लिया था, छोड़ नहीं रहे थे। ये साथ वाली नहर देख रहे हैं ना, उनकी बाइट छुड़वाने के लिए हमने नहर में फेंक दिया। तो बड़े मजे की वीडियो है, अब आपको बताता हूँ किस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। वसीम भाई का टिकटॉक अकाउंट है, तो इस भाई का मैं इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ क्योंकि यार इस भाई को आप फॉलो भी कर दें, लाइक भी कर दें। आपको पता है यार हमारी वीडियो में अक्सर आते रहते हैं, तो आपको करना चाहिए ना, टिकटॉक में जाना चाहिए, वहाँ पे वीडियो भी एंजॉय करनी चाहिए। और इनकी जितनी भी वीडियो है बड़े मजे मजे की वीडियो बनाते हैं, मेरी भी वीडियो है उसमें कि नहीं? हाँ है, शायद मेरी भी होगी कोई स्लो मोशन वाली। तो आपने सारी वीडियो को लाइक करना है और भाई को फॉलो जरूर करना है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और जो वीडियो हम ये रॉकी और मैक्स की फटे शटे की वीडियो, वो भी हम टिकटॉक पे कर देंगे ना अपलोड, वहाँ पे अपलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, क्लिक करेंगे तो टिकटॉक पे पहुंच जाएंगे। भाई को फॉलो करना, लाइक करना और वो वीडियो एंजॉय करना है। चल वैसे भी बता दे टिकटॉक अकाउंट जो है तेरा, RDXDEAR3। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा तो कोई मसला ही नहीं होगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुंच जाएंगे। तो खैर आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दे, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।